अच्छा यहीं मिल रहा पार्क के साथ वो कई सालों से गैर आबाद है और मेरा मुतालिबा मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर किशन रेड्डी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है कि हमारी मस्जिद चारमीनार मस्जिद जो कई सालों से गैर आबाद है उसको आबाद करो। मैंने मस्जिद को खोलो बोलकर कई रिप्रेजेंटेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया, किशन रेड्डी को दिया, पर वहाँ से कोई मुझे जवाब नहीं मिल रहा। मैं लगातार एक साल से चारमीनार की मस्जिद को आबाद करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूँ और बीजेपी की हुकूमत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेरे अर्जीनामे को नज़रअंदाज कर रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि चारमीनार के दामन में एक गैरकानूनी मंदिर है जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की RTI रिपोर्ट कह रही है। पर मुझे मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मंदिर में पूजा हो रही तो हमारी जो मस्जिद है वो भी आबाद होना चाहिए। अगर वहाँ पर लोग जाकर पूजा कर रहे तो हमारी मस्जिद में भी जाकर लोग अजान देना और नमाज अदा करना, यह है राशिद खान का मुतालिबा। और मौजूदा हालात फिरखा परस्त आज मौजूदा हालात इतने बदतर हो गए कि हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार फैलावा है। हम ये इंतशार को दूर करना चाह रहे, गंगा जमुना तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारी चारमीनार की मस्जिद का मुतालिबा कर रहे हैं। और याद रखो बीजेपी की हुकूमत, बाबरी मस्जिद की शहादत हर मुसलमान के ऊपर खर्ज है और हम सारे हिंदुस्तान में जीतते भी मस्जिद गैर आबाद है उसको दस्तूर के दायरे में रहकर आबाद कराएंगे। शहीदों का खून हमारे कौम की पहचान है और चारमीनार की मस्जिद को आबाद करने के लिए, और कई ऐसे मस्जिद है जो हिंदुस्तान में जो गैर आबाद है उसको आबाद करने के लिए हम अपनी जानों की और सरों की पेशकश करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ऐ याद रख लो मुसलमानों, खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर हक चाहिए तो कोहराम मचा दो और ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पीछे दुआओं का कारवान होएगा अगर से तुम अल्लाह की राह में निकल के अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे। और राशिद खान कोई सियासत के लिए ये काम नहीं कर रहा है, कोई शोहरत के लिए ये काम नहीं कर रहा है, कोई नाम के लिए ये काम नहीं कर रहा। मेरी मस्जिद गैर आबाद है और मैं चारमीनार की मस्जिद को आबाद करना चाह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा चाह रहा हूँ, अपनी आखिरत के बारे में सोच रहा हूँ। आज बीजेपी की हुकूमत मुसलमानों पे अज़ियत कर रही है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, हिजाब के नाम पर हमारे ख़वातीनों को परेशान किया जा रहा है, आज भी हमारे सर पर CAA की तलवार लटक रही है, हमारे हुकूक को दबाया जा रहा है, हमारे जज्बात को झिझोड़ा जा रहा है, हम खामोश कैसा बैठेंगे? नहीं मुसलमानों, अगर से तुम नींद में से बेदार नहीं होंगे तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। याद रखो चारमीनार हमारा वजूद है, चारमीनार हमारी तहजीब है, चारमीनार हमारे अखलाक है, और हम तहजीब के लिए अपने वजूद के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। और आज जो सिग्नेचर कैंपेन हो रहा, मैं ये सिग्नेचर्स लाखों में जमा करूंगा इंशाल्लाह और लेके जाके दूंगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और मुतालिबा करूंगा कि मेरी चारमीनार की मस्जिद को आबाद करो। और ये सिग्नेचर कैंपेन इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी आपको नज़र आने वाला है। जब भी सोशल मीडिया पे कोई मुसलमान ये लिंक को देखेगा, ये सिग्नेचर कैंपेन को देखा, तो मैं गुजारिश करता हूँ पूरे मुसलमानों से कि मुत्तहिद हो जाओ और अपना नाम दर्ज करो। तो हम जो भी कर रहे अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे, अगर से हम हमारे मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो कल के दिन आखिरत में अल्लाह ताला के सामने कैसे जाएंगे?
और जो माशरे में मसाजिद वीरान रहता है और मसाजिदों में नमाज नहीं होती, अल्लाह का कहर नाजिर होता है, अजाब नाजिर होता है। आज हिंदुस्तान में वही हो रहा है, क्योंकि मुसलमान गफलत की नींद में सो रहा है। वो सिर्फ सोच रहा है तो अपनी आल औलाद के बारे में सोच रहा है, वो अपने कारोबार के बारे में सोच रहा है, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा है, हमारी इबादत का के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सोचना चाहिए, मसाजिदों से हमारा वजूद है और ये कौम कभी डरने वाली कौम नहीं है। ये कौम को जितना दबाएंगे उतना उभर के आने वाली कौम है ये, और ये हिंदुस्तान उनका जितना है हिंदुस्तान हमारा भी उतना है। और हम गंगा जमुना तहजीब को मद्देनज़र रखे ये मुतालिबा करते हैं। तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर अगर है तो रहने दो, हमारे को कोई लेना देना नहीं है वो मंदिर से, पर हमारी मस्जिद भी आबाद का होना चाहिए। हमारी मस्जिद में हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह के सदाएं गुनना चाहिए, हम भी जाके वहाँ सजदा करना चाहिए। और बेशक मुझे पता है कि चार मीनार 400 साल पुराना एक कदीम इमारत है, हमको उसको हिफाजत में रखना चाहिए। जब टिकट लेके कई लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ सकते हैं, जाकर वहाँ पर तस्वीर ले सकते हैं, मस्जिद का नज़ारा देख सकते हैं, तो क्या दो फलंग और ऊपर चढ़कर मस्जिद खोल के क्या नमाज अदा नहीं कर सकते? और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मेरा मुतालबा है कि हम वजूम में जाके नमाज नहीं पढ़ना चाह रहे, हमारा सिर्फ मकसद है मस्जिद को आबाद करना। हमें 10 लोगों को या 5 लोगों की इजाज़त दीजिए ताकि हम हमारा मकसद भी पूरा हो और हम मस्जिद की हिफाजत भी कर सके। तो मैं बीजेपी की हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ कि राशिद खान रुकने वालों में से नहीं है। राशिद खान जब मस्जिद का मुतालिबा शुरू कर दिया तो मेरी आखिरी सांस तक मैं चार मीनार की मस्जिद के लिए लड़ते रहूँगा, मेरा आखिरी खून बहा दूँगा, मैं मेरी मस्जिद को मैं आबाद करके रहूँगा। ऐ मुसलमानों, तुम मेरा साथ देते या नहीं देते कोई बात नहीं, मैं मेरे हक़ में दुआ करो, क्यों तो मैं मोहताज हूँ तो अल्लाह का मोहताज हूँ, मैं मोहताज हूँ तो दुआओं का मोहताज हूँ। मेरे पीछे काफिला है बोल के मैं ये नहीं सोचूंगा, इंशाल्लाह आपके ज़रिए से मेरे पीछे दुआओं का काफिला रहेगा और मैं आगे बढ़ूंगा और इंशाल्लाह हमारी चार मीनार की मस्जिद आबाद होगी और हम वहाँ पर हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह के सदाएं गूंजने लगेंगे, सजदा करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, खुदा हाफिज़। सिग्नेचर कैंपेन, चार मीनार के अंदर जो मस्जिद है उसको वापस से रीओपन करना एक जायज़ मांग हमारे राशिद खान की। जब मैं राशिद खान से पूछा आप ये सिग्नेचर कैंपेन क्यों करना चाह रहे हैं राशिद खान, तो राशिद खान पलट के मेरे को बोले भाई कोई सियासत नहीं, कोई मफाद नहीं, अल्लाह का घर है, उसको वापस से वहाँ पे नमाज होना, मेरा ज़मीर बोल रहा, ये एक मेरी ज़मीर की आवाज़ है। तो फिरोज खान उनके नेक इरादों को सपोर्ट करते हुए और आगे चल के मेरे से जो भी ताउन होगा, तन मन धन तमाम चीज़ एक जायज़ कॉज के लिए, और जहाँ तक मेरे को ये मस्जिद के ताल्लुक से जानकारी है, ये ऑल इंडिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, यहाँ का जो स्टेट ऑफिस कोठी पे है। मस्जिद को बंद किया गया, आज आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट के नीचे है, और वो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी, और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो कभी भी स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके अंदर टीआरएस की गवर्नमेंट है।